तेलंगाना का चुनाव बहुत ही क्रूशियल है। यहाँ आपको लगता है अगर टीवी अखबार देख रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है तो आप गलतफहमी में हैं। मैं इस समय रोहतक के पास मेहम एक विधानसभा क्षेत्र है वहाँ हूँ और मेरे साथ बसपा के कैंडिडेट हैं अनिल कुमार बिंटू जो सरकारी सेवा में भी रहे हैं और लोगों में काफ़ी पॉपुलरिटी है बियॉन्ड द कास्ट लाइन। और वो जैसे जिस तरह का जो समीकरण बन रहा है उसमें लोग कह रहे हैं कि वो काफ़ी फायदे में है। तो भीड़ के लिहाज से बात करें, मैंने इनका अभी पर्चा भरा, इन्होंने भीड़ के लिहाज से बात करें तो काफ़ी भीड़ थी इनकी रैली में। क्या लग रहा है, क्या क्या मतलब आप बीएसपी के कैंडिडेट हैं, एजेंडा क्या है? एजेंडा हमारा सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पूरी तरह हरियाणा में लागू करवाना हमारा प्रथम एजेंडा है। दूसरा शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति जो आज समाज वंचित है वो हमारा एजेंडा है। और महम विधानसभा में हम किसी भी रूप में शराब नहीं बिकने देंगे, ना वैध बिकने देंगे ना अवैध बिकने देंगे। इस महम विधानसभा को शराब मुक्त करवाना हमारा एजेंडा। आज तक भी ऐसा अमूमन बहुत कम होता है कि जनरल कैटेगरी के जनरल सीटों पर रिजर्व सीट के जो रिजर्व एससी एसटी को रिजर्व बना दिया गया, राजनीति में भी अछूत बना दिया गया है, वो सिर्फ जनरल सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, संसाधन नहीं होता है, टिकट नहीं मिलते हैं। लेकिन बीएसपी ने एक बड़ी कोशिश की है और ये जनरल की सीट है और ये शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं। ये आपने प्लान किया था कि जनरल सीट से ही चुनाव लड़ना है जबकि अमूमन शेड्यूल कास्ट के लोग रिजर्व सीट ज़्यादा चाहते हैं? हमें बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है। बाबा साहब का सपना था कि हम हर जगह पे अपना प्रतिनिधित्व दर्ज करें। कलानौर बेरी, ये कलानौर बवानीखेड़ा वगैरह जो रिजर्व सीटें हैं इन पे तो हमारे लोग आपस में ही मन मुटाव करके एक दूसरे पे खींचा तान रखते हैं। लेकिन हमारे जो मजबूत साथी हैं, मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे सभी मजबूत साथियों को जनरल सीट पे चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये आइडिया कब आया था आपको कि जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए? मैं काफी समय से मैंने प्रैक्टिकल देखा कि जनरल सीट पे बहुत ज्यादा ओजस्वी तरीके से चुनाव लड़ा जा सकता है, समाज ज्यादा साथ देता है, समाज किंतु परंतु के चक्कर में नहीं जाता कि ये हमारी फला जाति का, ये हमारी फला जाति का। समाज देखता है कि ये बाबा साहब के वंशज हैं, साहब काशीराम के मिशनरी वर्कर हैं। तो कम अभी भी एक समाज में दुर्भावना तो है कि शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को जाति की वजह से लोग वोट नहीं करते हैं। आप शेड्यूल कास्ट का वोट तो यहाँ अहम है, सबसे ज्यादा वोट है, उसके बाद भी क्या मतलब आप कैसे प्रचार कर रहे हैं, क्या क्या प्लान है आपका? देखो, शेड्यूल कास्ट मान के हमें यहाँ भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पुलिस प्रशासन द्वारा भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है। हमारी एनओसीज के चक्कर में या किसी और तरीके से कार्यालयों के चक्कर में हमें जानबूझ के तंग किया जाता है ताकि इनका समय बर्बाद हो। लेकिन हम मान्यवर साहब काशीराम जी के सिपाही हैं, बहन जी हमारी आदर्श नेता है और ये गरीब समाज हमारा नेतृत्व कर रहा है। भी पड़ रहा होगा कुछ, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के वोट लोग खैराज समझते हैं, क्योंकि आप उसी समाज से हैं, कैंडिडेट हैं, जनरल सीट पर लड़ रहे हैं, तो कोई दबाव भी है कांग्रेस बीजेपी की तरफ से जो अमूमन होता है? मैं तो मेरे काफी मजबूत साथी हैं, हम बिना किसी मानसिक दबाव के चुनाव लड़ रहे हैं। और जो जिन लोगों को यहाँ प्रताड़ित किया जाता रहा है, इन लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हमें इस महम विधानसभा से इनको हुक्मरान बनाना है। तो क्या मायावती जी से आपकी मुलाकात हुई? आपने बताया था कि मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्या रिस्पॉन्स दिया? बहन जी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया कि जनरल सीट के से लड़ रहे हो। और बहन जी को मेरी बैकग्राउंड का भी जानकारी पूरी थी और बहन जी ने आशीर्वाद दे करके कहा था कि जाओ, महम की विधानसभा फतेह होगी। तो सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे हैं, इसी जगह एक चबूतरा है हरियाणा में हूँ विधानसभा चुनाव में। हरियाणा में सेक्स रेशियो ही कम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार बहुत ज़्यादा हुए हैं, कास्टिज्म का बहुत भयावह रूप देखने को मिलेगा। इसी जगह एक चबूतरा है जहाँ एक जाति विशेष के लोगों का वर्चस्व माना जाता था। मैं एक बार आया था प्रोग्राम में जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर एक प्रोग्राम हुआ था और अनिल जी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और मेहम हैं। तो हरियाणा में वैसा सब कुछ नहीं है जैसा आप दिख रहे हैं, आप आश्वस्त हैं जीत के प्रति? जीत के प्रति ये पूरा का पूरा समाज आश्वस्त है। इन लोगों से मिलकर के मैंने 100% जब ये लोग तैयार हुए
तब हमने आगे कदम उठाया था और आपने आज जोश देखा होगा कि किसी भी शोर में पीछे हटने वाले आया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया था कि ये मैसेज दुनिया भर में जानी चाहिए, इस देश में जाना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट एससी एसटी के लोग सिर्फ रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, राजनीति में भागीदारी आपको करनी है, आपको हिम्मत दिखानी होगी, ताकत दिखानी होगी। और मैं इसलिए खासकर मेहम आया था कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी मनोदशा है और वो किस तरह की ताकत की ज़रूरत होती है। और वो अनिल जी में है, वो जनरल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस जातिवादी मनुवादी व्यवस्था में जनरल सीट से अटैम्प्ट करना एक बड़ा चैलेंज है। तो क्रेडिट आपको अनिल जी को ज़्यादा देना पड़ेगा, बीएसपी को देना पड़ेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये सामाजिक बदलाव के प्रतीक हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। अब तक जनरल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग सिर्फ रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं, वो बंधुआ मजदूर जैसी हालत होती है उनकी मजबूरी है, भारत में राजनीतिक मजबूरी है लोगों की कि उनको टिकट मिलता है। लेकिन अनिल जी ने जनरल सीट से चुनाव लड़ना, अच्छा आपने कोशिश की थी कि मुझे रिजर्व सीट से टिकट मिले, आपने कहा था कि नहीं मुझे? मैंने रिजर्व सीट का हाल देखा था, लेकिन रिजर्व सीट पे मैं तो किसी भी हमारे समाज के नेता को नहीं कहता कि जिसको वाकई में समाज का भला करना है वो लोग रिजर्व सीट से कभी झांके भी ना, बल्कि अपनी मजबूत से मजबूत सीट देख करके जनरल सीट पे फाइट करे। महम हल्का तो पूरे हरियाणा के अंदर सबसे मजबूत सीट है, बहुत बार गई, चूंकि जो पूरा वोट है आप शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का ले जाएंगे, तो आपको तो मैनेज करने की बहुत कोशिश हो रही होगी, बहुत दबाव होगा। हम दबाव तो डालने वाले बहुत डालते हैं, लेकिन हम दबाव मानने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ के लोग सवा महीने से रोड पे बैठे हुए हैं, तुगलकाबाद में जो गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा था उसके विरोध में बैठे हुए हैं, महर्षि वाल्मीकि जी का जो लखनऊ में मंदिर तोड़ा था उसके विरोध में बैठे हुए हैं आपके सामने। वो तो पता है मुझे, 96 लोग गिरफ्तार हुए, हरियाणा से बहुत बच्चे हैं 40 के करीब, ये भी मुद्दा बन रहा है। ये मुद्दा बिल्कुल बन रहा है, समाज के बच्चे, निर्दोष बच्चे जो संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे थे, गुरु घर को बनाने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इस भ्रष्ट सरकार ने उनको अंदर कर दिया। देखिए मैंने एक और रैली देखी है यहाँ, जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों, जो एसयूवी जिसको बोलते हैं, जो लाखों रुपए की गाड़ी आती है उसकी कतार थी, और वहाँ इनके समर्थक जो थे वो ऑटो पर थे और इस तरह की छोटी छोटी गाड़ियों पर थे। तो तारीफ़ करनी पड़ेगी, चुनाव हार जीत तो अलग चीज़ है, लेकिन अनिल जी ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई है जनरल सीट पर चुनाव लड़ने की, बहुजन राजनीति के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो ये बड़ा कदम है। और मैं इसलिए चाहता था कि पूरे देश को ये बात पता चले कि बहुजन समाज कैसे राजनीति में असर्ट कर रहा है, कैसे वो अपनी जगह बना रहा है और कैसे वो लड़ भी रहा है, सिर्फ सोशली नहीं पॉलिटिकली भी वो अफसर को पर आ रहा है और वो जनरल सीट से दावेदारी कर रहा है। खैर हमारे बहुत सारे नेता, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, जो अब तक रिजर्व सीट से लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो रणनीति बाकी पार्टियां अपनाती है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का वोट बढ़ जाए और जनरल के खाते में सीट चला जाता है जनरल कैटेगरी के, अगर बहुजन समाज के लोगों ने रणनीति अपनाई, उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया रिजर्व जनरल सीटों से, तो पासा पलट भी सकता है। फिलहाल महम अहम सीट है, 90 सीटें हरियाणा में, 21 को मतदान होगा, बाकी अपडेट भी बताऊंगा महम की सीट पर। लेकिन अभी तो इस बात के लिए शुक्रिया जरूर कहिए इनको कि ये जनरल सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और समर्थन भी इनको मिल रहा है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, महम, रोहतक, हरियाणा। मैं इस समय हरियाणा में हूँ, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, हरियाणा में 90 सीट है। मैं इस समय रोहतक के पास में जहाँ ये जनरल सीट है और यहाँ से एक शेड्यूल कास्ट के जो शख्स हैं वो जनरल सीट से, रिजर्वेशन से नहीं, जनरल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी के टिकट पर। और कल नामांकन का आखिरी डेट है, बीएसपी ने टिकट दिया है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है भाई अनिल कुमार बिट्टू, मैम अंकित विज्ञान बनाए, आओ अपना विधायक बनाए। मैम जनरल सीट है, रिजर्व सीट नहीं है, जनरल, क्या नाम है आपका? अमन। ये जनरल सीट है? हाँ जी, ये तो जनरल सीट है ना, रिजर्व जनरल सीट है ये। अच्छा, यहाँ बीएसपी के कैंडिडेट हैं ये, क्या उम्मीद है? यहाँ से जीतेगा, कन्फर्म जीत है। हाँ, कैसे, कितना वोट है यहाँ पे? सिर्फ दलितों का वोट 55,000 है और 35,000 पे जीत है यहाँ पे। दलितों का वोट कितना है? 56,000। तो सिर्फ दलित वोट करेगा तो नहीं जीत पाएंगे ना, और लोग वोट कर रहे हैं, और भी वोट हैं, कम से कम भी 5,000 वोट ओबीसी से हर बार आते ही आते हैं भाजपा को, तो यहाँ से हम जीत कन्फर्म मान रहे हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ,
देखिए कम से कम आज भी 10,000 से ज्यादा की भीड़ जुट चुकी है। तो देखिए मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि रिजर्व एससी का कैंडिडेट जो है वो जनरल से चुनाव जीत रहा है। हरियाणा है तो थोड़ा म्यूजिक तो बचेगा। देखिए माता जी आ रही है, महिलाएं आ रही है, बच्चे लेके आ रहे हैं। बड़ी बात है, ये बड़ी ताकत है। तो मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा भाई बलराज कुंडू को विधानसभा महम है। तो जनरल सीट है और लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार हैं और बीएसपी के टिकट से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, महम है। और ये देखिए लोग उधर से आ रहे हैं, तो लोग ये देखिए ट्रैक्टर है उनका, साथ नामांकन है। कोशिश करूंगा कैंडिडेट से ही बात करने की, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जनरल सीट से अमूमन चुनाव नहीं लड़ते हैं लोग। क्या नाम है सर आपका? अजीत मेरा। क्या करते हैं आप? आइए इधर बात करते हैं, क्या आप सुनिएगा। क्या नाम है आपका? व्यवसाय मेरा बिजनेस है और बहुजन समाज पार्टी का जिला सचिव हूँ। ये जनरल सीट से आपका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है? सीट से 1982 में मान्यवर साहब कांशीराम ने DS4 से दलीप से उसको रघुवीर सिंह वाल्मीकि को टिकट दिया था और 1987 को फिर रघुवीर सिंह वाल्मीकि को टिकट दिया। तो आज ये चौथा चुनाव जनरल सीट पे यहाँ दलित विधायक रहे हैं। दलित विधायक नहीं रहे हैं, लेकिन दलितों ने यहाँ चुनाव लड़े हैं, मजबूती से चुनाव लड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही है कांग्रेस बीजेपी के बाद। और अब पिछले कितना वोट था आपकी पार्टी को? हमारी पार्टी को 13,000 तक वोट हमें यहाँ मिला है पिछली बार। हाँ, और यहाँ अगर शेड्यूल कास्ट OBC का वोट मिला दे तो कितना होगा? 1,00,000 वोट है SC और BC माइनॉरिटी का। वाल्मीकि समाज के लोग जुड़ रहे हैं आपके? वाल्मीकि समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं, दाणुक समाज के भी लोग जुड़ रहे हैं, SC, ST, OBC सभी के साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो देखिए ये युवा लोग हैं, आप लोग क्या जनरल सीट से जीत पाएंगे चुनाव? बिल्कुल जीत पाएंगे सर, 100% हमारी जीत निश्चित है यहाँ से। तो मतलब आंकड़ा आप लोग के पक्ष में है? आंकड़े हमारे पक्ष में है। कैंडिडेट कैसा है? कैंडिडेट हमारा पुराना साथी है, बहुत बढ़िया है, भाई अनिल कुमार मिंटू है। चलिए थैंक यू हमसे बात करने के लिए, एक मिनट रुकिएगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भाई अनिल कुमार पिंटू है और विचार करके वोट का फैसला ले। मैं विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे, प्रत्याशी के बारे में विचार करें कि मैं हर घटना को याद करके अपना था। ये BSP के कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। रिजर्व सीट है लेकिन BSP ने टिकट दिया है और शेड्यूल कास्ट के लोग को अमूमन बहुत कम मिलता है रिजर्व सीट का टिकट। ये अच्छा है, BSP ने कम से कम जनरल सीट पर शेड्यूल कास्ट के चुनाव लड़ाया है, तो मेरे लिए ये बड़ी खबर है। और इसलिए मैं यहाँ देखने में आता हूँ, साला हमें पहुँच गया है तो हरियाणा में चुनाव है 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 90 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी की यहाँ सरकार है, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। और दुकान है उससे पहले एक छोटी सी के लिए है ये, और क्या दिया एक और को खड़ा कर करके उसको बदनाम करने के लिए चुपचाप हो गया का दम है।
और सुप्रीम कोर्ट के जज ने सोच लिया कि आज तक का इतिहास बन जाएगा अगर मेरे को जो हटा दिया गया तो वो बेचारा इसको सरेंडर कर गया, चुनाव लड़ रहे हैं ये बड़ी बात, अपना सरेंडर कर गया और अपना सरेंडर करने के बाद में ये हुआ कि इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं हुआ। पहली बार हो रहा है आप देखिए, अरे इतनी बड़ी तानाशाही तो इतनी बड़ी तानाशाही तो उनके पास भी नहीं थी, इतनी बड़ी तानाशाही तो उसने भी नहीं की, कितनी बड़ी तानाशाही आज के पीएम कर रहे हैं और आ रही है युवा। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, क्या नाम है आपका, राकेश सरकार को अपनी जनरल सीट हमारे उम्मीदवार होते हैं, क्या नाम है, होता है जनरल सीट पर दलित उम्मीदवार होते हैं हरियाणा में, उमर नहीं जनरल सीट पर नहीं होते लेकिन बहुजन समाज पार्टी में उम्मीदवार होते हैं जनरल सीट। हाँ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनरल सीट के ऊपर भी रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार को उतारती है। क्या उम्मीदें हैं, कुछ उम्मीदें हैं, उम्मीदें पूरी उम्मीदें हैं और अब की बारी है ना, जो समाज है खासतौर पर दलित समाज है वो बीजेपी की और कांग्रेस से बिल्कुल छिप चुका है और वो अब की बार अपने हरियाणा में 40% 35% के आसपास जो आबादी है वो एससी एसटी ओबीसी शेड्यूल कास्ट जो है वो एक बड़ा चौक है और हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव है और जनरल सभी साथी बैठ जाएंगे हैं जो तो मैं सीट से चुनाव लड़ सुभाष वाल्मीकि जी को बीच में रोक दिया था हमारे समाज साथी, तो मैं पुनः उनसे अपील करूंगा समय का ध्यान रखते हुए क्योंकि वक्त हमारे बीच में काफी है, उनसे अनुरोध है कि वो समय का ध्यान रखें। माननीय सुभाष वाल्मीकि जी, संदीप वाल्मीकि जो विधायक है दिल्ली से वो भी आए हुए हैं, संदीप भाई दोस्तों ये आपकी पार्टी कर सकती है जनरल आजकल राजकुंडू रहा है सब ले रहा है हरियाणा की बहुत अहम मैं जितने भी मेरे मिशन से जुड़े रहे जितने भी साथी थे चौधरी देवीलाल को भी हराया गया था। मिशन ये बैंक है भाई जो इन्हें सुनना जरूरी है, इस पे सबसे ज्यादा संख्या विचार करना जरूरी है, एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं और बहन जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है बहुजन समाज के गरीब परिवार के बेटे को यहाँ चुनाव में उतारे, बड़े बड़े धनाढ्य लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग कैंडिडेट तो अनिल समाज पार्टी का सीट निकल रही है पता क्या नहीं पता, आप देख रहे हैं नजर आप खुद हरियाणा से हैं तो भाई एक बात और होता की यहाँ कैंडिडेट बनाए कांग्रेस या बीजेपी ऐसा नहीं होता, कांग्रेस बीजेपी ने तो कभी वोट समाज को बेचने का काम करते हैं हरियाणा में एक लहर है भी, कल पानीपत के नॉमिनेशन में थे हजारों लाखों की संख्या में लोग थे, आज भी आप देख रहे हो कितने संख्या में लोग हैं, हरियाणा में लहर है बीएसपी की और बीएसपी के बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा। अरे हम कहा कि हमारा गरीब जमा हो रहा है क्या, बाकी लोगों का समर्थन मिल रहा है, थोड़ा दिमाग पर जोर देगा सोच कर देखो, आप एससी एसटी और ओबीसी के लोग काम कर रहे हैं, 500 करोड़ में 400 करोड़ भी आ रहा है, हमारे साथ यूजर भी आ रहा है, यात्रा भी आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं
और जो बिरादरियां लेकिन ये कितने आपके पार्टी ने कितने कैंडिडेट उतारे हैं और ये सारी जगह उतारे कैंडिडेट समाज में कल फाइनल है वो नॉमिनेशन है कल सारी जाएगा मेहम काफी मतलब हमसे बात करने के लिए पॉपुलर हो रहे हैं और बहुत समाज को जगा रहे हैं। अभी आप शिवपुरी भी गए थे घटना हुई है उसके बाद रविदास मंदिर को लेकर राजनीतिक मुद्दा है जो भी हो रहा है राजनीति की वजह से हो रहा है। आज जो सरकार है हरियाणा में वो विरोधी सरकार है इंसानियत के खिलाफ सरकार है और वो हर वो कर्तव्य कर रहे हैं जो इंसानियत के खिलाफ है। तो इस सरकार से जो है बचने की जरूरत है। बहुत खतरनाक है जो लोग राजनीति में है ये सारे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अशोक तंवर बताया गया है साइड जगह उसका फायदा मिल रहा है आप लोग। अशोक तंवर जैसे बहुत सारे काते हैं दूसरे जो कात रहे उन पार्टियों में और इनको समझ नहीं आ रही। अब तो अशोक तंवर बहुत बेहतर है। अशोक तंवर आए बीएसपी में और उड्डा के छोरे साथ लड़ाई उसके खिलाफ। लेकिन ये लोग वैसे हो गए जगजीवन राम जैसे। ये लोग अपना अपमान बर्दाश्त करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन पड़े रहेंगे वही दूसरों के ग्रुप में। आप लोगों को पता नहीं चलता अगर कोई पार्टी कोई कार्यकर्ता कोई नेता कांग्रेस का होने लगा बीजेपी का हो बराबर खड़ा नहीं होगा। देखिए अब मानसिंह मनाडा जी का टाइम वापस आ रहा है। मैं आपको ना दंगे पर सबसे बड़ी पार्टी उभर के बीएसपी आएगी और बीएसपी के बिना सरकार नहीं बनेगी। समाज पार्टी खड़ी हुई है भाई कितनी आएंगे लगभग सीटें देखिए सीटें आप सारी सीटों में मजबूत दावेदारी टिकट बढ़िया बांट है आप लोग बिल्कुल कार्यकर्ता प्रोग्राम हो रहा है। संदीप बाली और अगर कोई खड़ा हुआ ने तो बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इन लोगों ने ये लोग खड़े हैं नॉमिनेशन से पहले। मैं हूँ हरियाणा में 90 सीट है 20 तारीख इस पर विचार करो आप सरकार है लेकिन मैं समझ रहा हूँ कुछ और जितनी भी घटना हुई है बीएसपी ने घटिया लेकिन विचार आप लोगों ने करना जितने भी नए साथी है पुराने जो मिशन से जुड़े हुए हैं जो मिशन से जुड़ गया लेकिन जितने भी नए साथी होने उन्हें एक बार क्योंकि प्रिंट मीडिया मीडिया को हमें नहीं दिखा दी माता दिखा लोग जो है वो काफी एकजुट हुए हैं जितने पढ़े लिखे हैं वे हरियाणा के लोगों के छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस नौजवान साथियों है और टीवी न्यूज को तो हमने बताई देख ली ये 5-10 दिन जो बचे हैं ये सारे सोशल मीडिया में सारे रिकॉर्ड पड़े हैं। हरियाणा में चुनाव 21 तारीख को वोटिंग है। अखबार टेलीविजन आपको लगातार बीजेपी कांग्रेस की खबरें दिखाते हैं। मैं इस समय रोहतक में हूँ दिल्ली से ही किया हूँ रोहतक हूँ और मेहम विधानसभा क्षेत्र है और मेहम विधानसभा में जिंदल सीट है ये लेकिन बीएसपी ने यहाँ एक शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार को शेड्यूल कास्ट को टिकट दिया है कैंडिडेट बनाया है। सुनील कुमार बिंटू नाम है उनका और आज उनका नामांकन है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि नामांकन में किस तरह की भीड़ है। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं जो युवा हैं और दोनों तरफ गाड़ियां हैं कास्ट कम्युनिकेशन के हिसाब से देखें तो ये स्पीड जो है यहाँ मजबूत से चुनाव लड़ रही है और काफ़ी संख्या में कर सकते हैं और हरियाणा में चुनाव हो तो जीतने को लेकर बहुत उम्मीद है।
देखी।